वोकाब्स का जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना कैट का, उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्या होता है ना जो पुराना प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन का आपको पूरा पैटर्न का बारे में ना पता हो जाता है। मतलब क्या है ना जो एक ही पैटर्न का क्वेश्चन हर बार आता रहता है, बट यू हैव टू स्टडी हार्ड एज बिकॉज क्या है ना उसी क्वेश्चन को रिपीट किया नहीं जाता है, नया नया क्वेश्चन आता है। बट वंस अगेन वोकाब्स का जो आपको जो प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लमेटिक जो है वो आपको पता चल जाएगा। मतलब क्या ना ऐसा ऐसा पैटर्न में आता रहता है, तो हर साल देखिएगा थोड़ा सा चेंजेस रहता है, बिकॉज आई एम चेंज होता रहता है, क्योंकि जनरली ABC एंड LKI का अंदर में आपका पेपर सेट होता रहता है, तो इसमें क्या होगा ना बिल्कुल चेंजेस आएगा, लेकिन एक एक आयाम का एक एक का आपको डिपेंड करता है। तो इसी में देखिएगा थोड़ा सा वोकाब में आपको क्या होगा ना, आपको बिल्कुल एक तो पैटर्न एंड थीम पता हो जाएगा, उसमें क्या होगा ना हाई स्कोर लाने पर आपको अच्छा होगा। क्योंकि कैसे आप हाई स्कोर लाओगे ये तो बहुत बड़ा मीथ है, क्योंकि मैं कहीं बार बता चुका हूँ पीछे जो 8 क्वेश्चन रहता है आपको टीटा वाला टाइप इन टाइप आंसर, जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, उसी क्वेश्चन का अटेम्प्ट करो पहले, एंड ज़्यादा टाइम मत लीजिए उसके पीछे, क्योंकि 1 मिनट 1.5 मिनट करके टाइम ले लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए, उसमें मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना RC से आपको पढ़ना पड़ेगा। RC आप नहीं करोगे तो आपका सक्सेस अचीवमेंट नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा ना कभी मतलब क्या ना RC छोड़ के अभी ज़िंदगी में कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि RC का क्वेश्चन करना होगा कम से कम 5 क्वेश्चन RC से, ओके, तो मतलब 1 RC 2 RC से कम मिला के 5 क्वेश्चन कीजिएगा और ऑटोमेटिक आपको हो पाएगा, ओके, अदरवाइज आपको नहीं हो पाएगा। सो वन सेकेंड आपको जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, दैट वोकाब्स को पुराना पेपर से प्रैक्टिस कीजिए, एंड आज का डेट में कैट का पेपर 20 का 25 का भी अवेलेबल है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ज़्यादा से प्रैक्टिस करो, पेंसिल में आपको जो किताबों में प्रैक्टिस करते रहो, ऑफलाइन किताबें ऑनलाइन किताबें प्रैक्टिस करते रहो, ऑटोमेटिक आपके पास बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, दिमाग में बहुत सारा चीज़ घुस जाएगा। सो वन सेकेंड आपको मैं बोल रहा हूँ बार बार एक चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, तो एक जगह में क्या होगा ना आप सक्सेस अचीव देखिए, देखिएगा 1 महीने के अंदर में आपको बहुत कुछ सीख गया है इस जो पहले आप नहीं सीखे, क्योंकि ऐसा होता रहता है जो हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम क्या होता है ना हम लोग का दिमाग का बाती बहुत सारा खुल जाता है, लेकिन पहले जब प्रैक्टिस नहीं करते थे उस टाइम नहीं खुलता था, तो ऐसी बात है। सो दिस इज द थिंग, सो वन सेकेंड आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ पुराना पेपर को प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक आपको कन्वर्ट होगा, बिकॉज यू हैव टू स्टडी हार्ड फॉर दैट एंड यू हैव टू स्टडी फॉर दैट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू।